तो क्या होगा जब एक खिलौने को रिमोट की मदद से मकरों के बीच भेजा जाए। सबसे पहले तो जेसीबी को मकर के पास भेजते हैं, तो मकर इसको देखकर भाग जाता है। लेकिन दूसरा मकर धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ता है और उसके पास आके उस पर हमला बोल देता है, लेकिन वो उसको छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो पलट जाता है। लड़का बाहर से एक लकड़ी की मदद से उसे सीधा करता है, फिर वापस उसको मकर के पास ले जाया जाता है। वो जैसे ही मकर को फावड़ा मारता है तो मकर डरकर भाग जाता है। अभी इसको दूसरे मकर के पास ले जाया जाता है, तभी पानी में से एक मकर निकलता है और इस पर हमला बोल देता है। जेसीबी वापस पलट जाता है।